नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी के एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके पुस्तकालय अध्यक्ष से संबंधित। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले मैं इसके लगभग 50 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अब आपको पता ही है कि आपके एग्जाम फिर से आगे किस गए हैं, मतलब इस कोरोना वायरस की वजह से आपके एग्जाम स्थगित हो गए हैं। तो अभी इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, जब भी जो भी सूचना आएगी आपको बता दिया जाएगा। तो इससे मैं आपके लिए वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप हमारे जितने भी वीडियो है शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, आप साथ साथ में आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, जिससे आपको भी पता चल सके। हमारा आज का ये नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है वो आपको बताना, कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या रहेगा। आप साथ साथ में कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर रहेगा केवल दो, यानी लाइब्रेरी साइंस पद का सर्वप्रथम प्रयोग एस आर रंगनाथन ने किया था, ये सत्य है। लेकिन लाइब्रेरी शब्द फ्रेंड्स भाषा के लाइबर शब्द से बना है, ये गलत है। फ्रेंड्स, अगर इसकी फ्रेंड्स की जगह लेटिन भाषा होता ना तो बिल्कुल सही रहता, यानी लाइब्रेरी शब्द लेटिन भाषा के लाइबर शब्द से बना है। लेकिन इसमें क्या लिखा है इसने, लाइब्रेरी शब्द फ्रेंच भाषा के लाइब्रेरी शब्द से बना थी, ये असत्य होगा। और ये इसका साइंस लाइब्रेरी साइंस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, एस आर रंगनाथन ने किया था। तो इसका केवल दो, यानी दो नंबर ऑप्शन इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय ग्रंथालय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, एस आर रंगनाथन, तीन नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1850 के अधिनियम से पूर्व यूके में तीन प्रकार के पुस्तकालय में शामिल थे, कौन सा पुस्तकालय तीन प्रकार के पुस्तकालय में शामिल थे वो आपको बताना है, तीन प्रकार के पुस्तकालय कौन से थे। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या रहेगा, संस्थागत पुस्तकालय, व्यक्तिगत पुस्तकालय, चंदे द्वारा संचालित पुस्तकालय, यानी उपयुक्त सभी तीनों सही रहेंगे। तो इसका चार नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पुस्तकालयों के मध्य प्रलेखों का विनिमय क्या कहलाता है, पुस्तकालयों के मध्य प्रलेखों का विनिमय क्या कहलाता है फ्रेंड्स, क्या कहलाता है, संसाधन सहभागिता, दो नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रामेट्री की विचारधारा का विकास किसके द्वारा किया गया, लिब्रामेट्री की विचारधारा का विकास किसके द्वारा किया गया फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके द्वारा किया गया, ये एस आर रंगनाथन के द्वारा, दो नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। किसके द्वारा किया गया, एस आर रंगनाथन के द्वारा, दो नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी साइंटिफिक लाइब्रेरी द लाइब्रेरी और एकेडमी ऑफ साइंस ऑफ द USSR की स्थापना कब हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताना, इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, 1714 ईस्वी में, दो नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक जरूर कर देना, अगर आप लाइक करें तो हमें खुशी होता है, आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगनाथन ने बुक मोबाइल्स को क्या नाम प्रदान किया था वो आपको बताना, रंगनाथन ने बुक मोबाइल्स को क्या नाम प्रदान किया था, क्या नाम दिया था इसको, लिब्रासिन नाम दिया था, चार नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस मुगल बादशाह की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी वो आपको बताना है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण थी वो आपको बताना है। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं इसका सही आंसर क्या रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, हुमायूं, दो नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा, हुमायूं। चलिए नेक्स्ट, रंगनाथन का ग्रंथालय विज्ञान में वही स्थान है जो भौतिक शास्त्र में आइंस्टीन का है, यह कथन किसका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। मैं आपके लिए सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं फ्रेंड्स, आपको मुझे पता है कि आपको वीडियो देखने के बाद वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। रंगनाथन का ग्रंथालय विज्ञान में वह स्थान है जो भौतिक शास्त्र में आइंस्टीन का है, यह कथन किसका है, तो किसका है फ्रेंड्स, ये यूजिन गारफील्ड का है, चार नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा किस वर्ष अपना पुस्तकालय प्रारंभ किया गया था, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा किस वर्ष अपना पुस्तकालय प्रारंभ किया गया था फ्रेंड्स, जल्दी से बताएं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, 1787 ईस्वी में, दो नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पब्लिक लॉ 480 अधिनियम कब पारित किया गया था, पब्लिक लॉ 480 अधिनियम कब पारित किया गया था फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताएं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा,
54। दो नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स मैं आपको आंसर बताने के लिए समय नहीं दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आप जितनी देर में क्वेश्चन पढ़ता हूं तो उतनी देर में आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट ब्रिटेन की उस संस्था का नाम बताइए, ग्रेट ब्रिटेन की उस संस्था का नाम बताइए जो 1898 ईस्वी से पुस्तकालय व्यवसाय के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स सही आंसर क्या रहेगा, तो कौन सी है वो, लाइब्रेरी एसोसिएशन। एक नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के लिए लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान का प्रारूप किसने तैयार किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किसने तैयार किया था भारत के लिए लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, एस आर रंगनाथन। चार नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय अध्यक्षों तथा प्राचीन आलेखों को सुरक्षित रखने वाले व्यक्तियों की विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु प्रथम विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, कहाँ की गई थी फ्रेंड्स जल्दी से बताएं, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, 1821 में पेरिस में की गई थी। दो नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने एग्जिट मिस लीजी फॉक्स नामक नाटक का प्रदर्शन कब किया था, किसका, एग्जिट मिस लीजी फॉक्स नामक नाटक का प्रदर्शन कब किया था, कब किया था फ्रेंड्स बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना इसका सही आंसर, तो कब रहेगा, 1926 में। तीन नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सो यू वांट टू बी ए लाइब्रेरियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी, सो यू वांट टू बी ए लाइब्रेरियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी, जल्दी से आप बता दीजिए, आप भी बता सकते हैं साथ साथ में, किसने लिखी थी, लेस्ली वेलेस ने लिखी थी। एक नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, तथा सामने के बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आगे हमारी ऐसी इस प्रकार की जो इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और नेक्स्ट, कौन सा प्रकाशन एस आर रंगनाथन का नहीं है। फ्रेंड्स आपके सामने चार नाम दिए हुए हैं, तो उसमें से कौन सी पुस्तक या इसका प्रकाशन रंगनाथन ने नहीं किया है, तो कौन सी है वो, लिविंग विद द बुक्स है। चार नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, मतलब इस ये रंगनाथन के द्वारा प्रकाशित नहीं है, तो इसका मतलब तीन है ये रंगनाथन के द्वारा प्रकाशित की हुई है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन सेवाएं क्या होती है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और फ्रेंड्स आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे या इसका किसी भी आंसर गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना फ्रेंड्स, तो आप अब इसका आंसर बताइए, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन सेवाएं क्या होती है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या रहेगा, संदर्भ सेवा होती है ये। तीन नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महाविद्यालय पुस्तकालय में यूजर्स को ओरिएंटेशन प्रोग्राम कब दिया जाना चाहिए, कब दिया जाना चाहिए फ्रेंड्स ये, तो इसका सही आंसर रहेगा, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में दिया जाना चाहिए। एक नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, पुटिंग नॉलेज टू वर्क नामक ग्रंथ का लेखक कौन है, किसका, पुटिंग नॉलेज टू वर्क नामक ग्रंथ का लेखक कौन है, तो कौन है, पॉलिन एथरटन, कौन है, पॉलिन एथरटन। चार नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पुस्तकालय का मूल तत्व क्या है, पुस्तकालय का मूल तत्व क्या है फ्रेंड्स, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, तो पुस्तक का मूल तत्व क्या है, पुस्तक के। चार नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कलर्क एवं टाइपिस्ट पुस्तकालय में किस श्रेणी के अंतर्गत गिने जाते हैं, वो आपको बताऊं, कलर्क एवं टाइपिस्ट पुस्तकालय में किस श्रेणी के अंतर्गत गिने जाते हैं फ्रेंड्स, किस श्रेणी के अंतर्गत गिने जाते हैं, ये अव्यवसायिक, अव्यवसायिक। तीन नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन से प्रकार के पुस्तकालय में ज्यादा प्रकार के लाइब्रेरी यूज होते हैं, कौन से प्रकार के पुस्तकालय में ज्यादा प्रकार के लाइब्रेरी यूज होते हैं फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप भी बता सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, सार्वजनिक पुस्तकालयों में। दो नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक पुस्तकालय विस्तार की गतिविधि है, एक पुस्तकालय विस्तार की गतिविधि है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं फ्रेंड्स, किस प्रकार की है, पुस्तक प्रदर्शनी। तीन नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, ये आज का हमारा 25 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, पेपरलेस सोसाइटी पद का निर्माण किसने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर इसको जरूर बताना है, इसका सही आंसर क्या रहेगा, पेपरलेस सोसाइटी पद का निर्माण किसने किया था, तो फ्रेंड्स किसने किया था कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, इसका सही आंसर क्या रहेगा। और फ्रेंड्स इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ, एफ डब्ल्यू लंकास्टर, किसने, एफ डब्ल्यू लंकास्टर ने किया था। दो नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन इसमें से आपने कितने क्वेश्चन कवर किए, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करें जरूर बताना। फ्रेंड्स मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी स्टडी ग्रुप है उसमें से केवल एक ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर देना। फ्रेंड्स अपने लिए अपने एग्जाम के लिए आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 से 10 मिनट का समय जरूर निकालें फ्रेंड्स, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। और फ्रेंड्स मैं भी ये जानता हूँ इतना कि अगर आप ऐसे मतलब बुक पढ़ोगे तो ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे तैयार नहीं हो सकते। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ मिलते रहेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, पसंद आए तो इसे आप लाइक जरूर कर देना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।